Hello everyone. In this video, I'm going to talk about lifestyle diseases. So, अगर मैं आपको समझाऊँ तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक वर्ड से जिसमें आता है लाइफ स्टाइल. कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल से ही जुड़े हुए हैं. हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, हमारा रूटीन कैसा है, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है वो डिसाइड करता है कि हम हेल्दी रहेंगे या हमें कोई डिजीजेज होने के चांसेस रहेंगे जल्दी. सो कुछ डिसीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आज की डेट में यस लाइफस्टाइल डिसीज़ बन चुकी हैं. अब चाहे आप हार्ट को ले लो, अपने शुगर लेवल को ले लो, माइंड को ले लो, ये अगर आपके अनस्टेबल हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हैं. आप ठीक से खाते नहीं, आपके ऑप्शंस प्रॉपर नहीं हैं, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, वॉक पे नहीं जाते, सो चांसेस हैं कि ये आपके जीने का तरीका आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. सो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ. सिंपल सी बात, पहले हमें कुछ राशन सब्जी लेने जाना होता था. हम जाते थे बाहर राशन की दुकान पे, शॉप्स पे, सब्जी के ठेले पे, और वहाँ से हम चीज़ें लेने जाते थे. आज की डेट में जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी जिनी, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं कि हमें हिलने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें एक घंटे बाद कुछ याद आता है, जेप्टो करा, घर पे आ गया. आधे घंटे बाद याद आ गया, अरे चीनी तो है ही नहीं, नींबू तो है ही नहीं सैलेड में डालने के लिए, जेप्टो करा, आ गया. तो हमारा चलना फिरना, वो सीढ़ियाँ उतरना, वॉक करके जाना, बीच में चार लोगों से मिल के हंस के बातें करना, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना, वो सारा कहाँ गया हमारी लाइफ से, चला गया. सो ये है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. ये हमारे लाइफ में घुस गया है, बैठे रहना, फ़ोन पे ऑर्डर कर लेना, लोगों से ना मिलना, बाहर जाने की एक वर्कआउट अवॉइड करना. सो दिस इज़ अफेक्टिंग आवर हेल्थ. एक और चीज़, हमने पेड़ देखा है, एक पेड़ जो हरा भरा होता है उसकी छाया में हर कोई बैठना पसंद करता है. हरा भरा है इसका मतलब उसकी सॉइल अच्छी है, उसको अच्छे से सनलाइट मिलती है, पानी मिलता है, उसमें फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, तो इसका मतलब उसका नर्चर अच्छे से हुआ है. लोग उसकी छाया में बैठना पसंद करते हैं, उसके फूल इंजॉय करते हैं, उसकी अच्छी अच्छी सी फ्रेग्रेंस इंजॉय करते हैं. ऐसे ही कोई पेड़ बिल्कुल डेड है, उस पर कोई पत्ते नहीं है, कोई उसकी छाया में बैठता ही नहीं क्योंकि उसमें वो छाया है ही नहीं, कोई उसको ज़्यादा खुश हो के नहीं देखता, निहारता नहीं है क्योंकि वो डेड प्लांट है. हम एक अजम्पशन बना लेते हैं कि इसकी सॉइल अच्छी नहीं है, इसको सनलाइट नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा. इसी तरीके से जो एक अच्छी हैप्पी बॉडी है उसको पता चलता है कि वो अंदर से स्ट्रेस फ्री है, टेंशन फ्री है, बाहर जाके चार लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है. और अगर ऐसे ही कोई बाहर से इंसान बेजान दिखता है, ज़्यादा टेंशन में रहता है, बीमारियों में रहता है, उसके साथ भी कोई ज़्यादा बात करना या ज़्यादा खुश रहना पसंद नहीं करता. दिस इज़ द बिट ऑफ फैक्ट ऑफ टुडेज सोसाइटी. बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ खुश नहीं रहते और पता चलता है बाहर से आपको इतनी बीमारियाँ क्यों हैं, ये बाहर से पेड़ रूखा और बेजान क्यों है, क्योंकि डीप रूट में आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, आप ठीक से खाते नहीं हो, आप खुश नहीं रहते, लोगों से नहीं मिलते, पैक्ड फूड बहुत लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. सो अगर जड़ ऐसी है तो पेड़ हरा भरा कैसे बनेगा. तो अगर हमें हमारी ये लाइफस्टाइल डिसीजेस को हटाना है, बेटर अपनी रूट स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, पैक्ड फूड खाना कम कीजिए, ईट हेल्दी, ईट बैलेंस्ड डाइट एंड एन्जॉय योर लाइफ विदाउट एनी लाइफस्टाइल डिसीजेस.